20 दिसंबर का हुआ एक्सीडेंट निकला एक फेक एक्सीडेंट, जिसके अंदर 3 लोगों की जान गई थी, जो बताया जा रहा था कि उनकी डेड बॉडी नहीं मिल पा रही है, उनकी बॉडी नहीं मिल पा रही है। आखिरकार वो सुरक्षित कंडीशन में जो है हरियाणा में पाए गए। ये एक फेक एक्सीडेंट प्लांट किया था इस परिवार ने अपने आप को कर्ज से बचाने के लिए। पूरी रिपोर्ट देखिए। प्रणाम सभी को, राम राम। एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। 20 दिसंबर को एक केस सामने आया था, जिसके अंदर एक पुल डोडा के पास गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उस गाड़ी में हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं और गाड़ी जो है चनाब दरिया से मिलती है, लेकिन तीनों की डेड बॉडी नहीं मिली। इसके बाद से ही लगातार तलाशी चल रही थी, चनाब में भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था कि उनकी डेड बॉडी कहीं मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज इस पूरी के पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है और वो मोड़ बड़ा हैरान कर देने वाला है और एक बड़ा ही फिल्मी तरीके का मोड़ है। वो ये है कि हस्बैंड वाइफ और बच्चा जो है सही सलामत सुरक्षित हरियाणा में मिलते हैं। अब हरियाणा पुलिस जब इनको पकड़ती है तो उसके बाद वो भद्रवाह में बताते हैं, तो भद्रवाह में कहते हैं कि इनका तो एक एक्सीडेंट हो चुका है, यानी कि बड़े फिल्मी तरीके के साथ इन्होंने अपना एक एक्सीडेंट प्लान किया, फेक एक्सीडेंट जिस तरह से फिल्मों में होता है। और अब पीछे कहानी क्या है ये फेक एक्सीडेंट करने की? पीछे कहानी ये है कि ये जो परिवार है, इनमें इस परिवार द्वारा एक जो है कर्जा लिया गया था, लोन लिया गया था, कुछ काम शाम नया शुरू किया था इन्होंने भद्रवाह के संगोई इलाके में जहाँ के ये रहने वाले हैं, लेकिन वो काम शायद नहीं चला, वो कर्ज़ा नहीं लौटा पा रहे थे, लोन नहीं वापस दे पा रहे थे। तो इस परिवार ने सोचा कि ये एक फेक एक्सीडेंट जो है प्लांट करते हैं, जिससे कि ऐसा लगे कि एक्सीडेंट में ये परिवार पूरा मारा गया और ये किसी और स्टेट में जाकर जो है सेटल हो जाएंगे। लेकिन हरियाणा पुलिस ने इन तीनों को पकड़ लिया है, जिनमें एक छोटा बच्चा भी है और हस्बैंड वाइफ भी है। देखिए, हस्बैंड वाइफ ने इतनी बड़ी प्लानिंग की और साथ में अपने बच्चे को भी इन्वॉल्व किया। अगर भगवान ना करे इस फेक एक्सीडेंट के अंदर असली में कुछ ऐसा हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान होता। लेकिन फिलहाल ये बड़ा ही फिल्मी तरीके का एक मामला सामने आया है और ये मामला है भद्रवाह का। और ये एक्सीडेंट जो इन्होंने फेक एक्सीडेंट प्लांट किया, ये इन्होंने किया पुल डोडा में, लेकिन ये परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। लोन कर्जा तो बाद की बात है, लेकिन जान बड़ी इंपॉर्टेंट है और एक छोटे बच्चे की भी जान थी इसके अंदर। तो मैं इस परिवार को भी कहूँगा, आप लोन किसी ना किसी तरीके से तो चुका सकते हैं, लेकिन अगर जान चली जाती आपकी, आपकी धर्मपत्नी की या आपके बच्चे की, तो वो वापस कैसे आती? तो एक नया क्राइम यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है, ये भद्रवाह में अब फिलहाल पुलिस के साथ कॉन्टैक्ट कर रही है हरियाणा पुलिस और इनको जो है सुरक्षित जो है यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। लेकिन 20 दिसंबर का ये मामला एक्सीडेंट का एक फेक एक्सीडेंट था, जो प्लांट किया एक परिवार ने अपने आप को कर्जे से बचाने के लिए। धन्यवाद, राम राम।